हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा आईपीएल 2022 का जो टिकट बुकिंग है उसके बारे में। सो गाइस, अगर आपको टिकट बुक करना है तो फिर सबसे पहला चीज़ आपको जानना जरूरी है, ये जो टिकट है इस साल का आपको मिलेगा कौन सा प्लेटफॉर्म में। सो इस साल का जो आईपीएल, इसका टिकटिंग पार्टनर कौन है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आपके सारा टिकट अवेलेबल मिलेगा, ये चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप टिकट को बुक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स दूंगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको टिकट मिलेगा, और उस सभी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म का मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर टिकट को बुक कर सकते हो, और पूरा प्रोसेस भी इस वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो भी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। सो ये चीज़ आप आपके फ़ोन से भी कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो लीग स्टेजेस है आप सभी को पता ही है, महाराष्ट्र में खेला जाएगा, पुणे और मुंबई में। और जो फाइनल है वो शायद से अहमदाबाद में हो सकता है। और ये जो पहला चीज़ जो आपको टिकट बुक करना है ऑनलाइन के थ्रू से, ये जो टिकट मिलेगा आपका बीसीसीआई पार्टनर, मतलब कि आपका जो आईपीएल टिकटिंग पार्टनर उन लोगों के वेबसाइट से, और बाकी जो अदर्स टीम है उन लोगों के जो फ्रेंचाइजी है उन लोगों के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आईपीएल टिकटिंग पार्टनर में से आपको सारा मैचेस का टिकट मिलेगा। यहाँ से ही आप बुक कर सकते हो। पार्टनर यहाँ पर देख सकते हो, पार्टनर के नाम यहाँ पर दिया गया है और उन लोगों का आईपीएल टिकट यूआरएल दिया गया है। इन यूआरएल के थ्रू से आप डायरेक्टली वहाँ से बुक कर सकते हो। तो सबसे पहला पार्टनर आप देख सकते हो, यहाँ पर बुक माई शो है, इनका भी यूआरएल दिया गया है। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो गया डायरेक्ट स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। और आपको सबसे पहला चीज़ यहाँ पर लोकेशन ध्यान रखना है, मुंबई या पुणे कोई भी एक डालोगे तो ही यहाँ पर आएगा। जैसे टिकट अवेलेबल होगा आप यहाँ से क्रिकेट को फिल्टर कर सकते हो, या तो आपके फीचर में ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग सेक्शन में ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो। अभी बात करते हैं दूसरा जो पार्टनर है वो insider.in। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो पेटीएम है लास्ट में, पेटीएम में आप ये चीज़, ये जो URL है, पेटीएम का जो URL है एक काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो पेटीएम insider.in एक ही वेबसाइट है। इसका जो URL है काम नहीं करता, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं नॉट फाउंड दिखा रहा है। ये URL काम नहीं करता क्योंकि पेटीएम insider.in एक ही वेबसाइट है। इस URL को आप कॉपी कर सकते हो। ये सारा लिंक अगर आपको चाहिए तो बता सकते हो, मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देख सकते हैं यहाँ पर जो पेटीएम insider.in खुल गया है, यहाँ पर अभी अभी ये अपडेट भी हो चुका है टाटा इंडियन प्रीमियर लीग। देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका टिकट मिलेगा। जैसे ही टिकट अवेलेबल होगा आपको सबसे पहले यहाँ पर ही मिलेगा। यहाँ पर आप, यहाँ पर लोकेशन भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको लोकेशन चूज़ करना मस्ट है, क्योंकि कोई और लोकेशन चूज़ करोगे तो फिर शायद से आपको परेशानी हो सकती है कि आपके फीचर्स में यहाँ पर टिकट ना आए। तो मुंबई या पुणे कोई भी चूज़ कर सकते हो। अभी बात करते हैं तीसरे नंबर पर टिकट जेनिन। ये जो लिंक है ये भी आप, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कैसा इंटरफेस आता है इस वेबसाइट का भी। इस वेबसाइट पर भी आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा फीचर्स इवन। यहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्शन में जो भी इवेंट है ये यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही आईपीएल आएगा आपके यहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्शन में उसका भी टिकट अवेलेबल हो जाएगा, या तो आप फीचर्स इवेंट में भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर भी मिल जाता है टिकट आपको। और लास्ट में एक देख सकते हैं इवेंट्स नाउ, इसका भी लिंक मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं इवेंट नाउ बुक माई शो की तरह ही है। देख सकते हैं इसका लोगो काफ़ी मिलता जुलता है। और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर लोकेशन सही चूज़ करना है। लोकेशन आप ठीक से चूज़ करिए, वरना शायद से आपका लोकेशन कोई और डाला हुआ है और आप वेट करते रह गए कि टिकट अवेलेबल होगा या नहीं, तो आपको शायद से टिकट नहीं भी मिल सकता है। इसको आप ध्यान से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक टिकट मिल जाएगा। अभी भी बात करते हैं आपको सबसे ज़्यादा टिकट मिलेगा कहाँ। सबसे ज़्यादा टिकट है आपको बुक माई शो में और पेटीएम insider.in में ही मिलेगा। ये दो जो वेबसाइट है इसको आप छोड़ ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम टिकट मिलने का चांसेस है। कुछ ही टिकट यहाँ पर अवेलेबल होता है, जल्दी जल्दी सोल्ड आउट भी हो जाता है। आप ध्यान से इन दोनों वेबसाइट पर चेक इन कर सकते हो, बुक माई शो या insider.in। जैसे ही टिकट अवेलेबल होगा मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। अब बात करती है बाकी जो फ्रेंचाइज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। काफ़ी फ्रेंचाइज का ऑफिशियल वेबसाइट उनका ट्विटर या इंस्टाग्राम हैंडल पे नीचे वापस दिया रहता है। फिर भी मैं आपके लिए एक और बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सारा जो वेबसाइट है
8 टीमों का दिया गया है, क्योंकि बाकी जो दो टीम नहीं आई है उनका वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। आप इन जो वेबसाइट दिया गया है 8 टीमों का, ये कन्फर्म है। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो किंग्स 11 पंजाब पहले नाम था भी है पंजाब किंग्स, इनका यूआरएल देख सकते हैं KXIP, शायद सबसे शक हो कि ये यूआरएल काम भी कर रहा है या नहीं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इसका डोमेन नेम पहले KXIP था, पंजाब किंग्स हो गया है। यहाँ से ये जो वेबसाइट है, जिन जिन फ्रेंचाइज का वेबसाइट है उनका वेबसाइट पर सिर्फ उसी फ्रेंचाइज का जो शेड्यूल है, जो जो डेट पर मैच है, वही टिकट आप बुक कर सकते हो उनके वेबसाइट से। बाकी टीमों का मैच का टिकट आप बुक नहीं कर सकते हो। जिस टीम का मैच है उसी टीम का वेबसाइट से आप वो बुक कर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि bookmyshowinsider.in में यहाँ पर अपडेट रहिए, यहाँ पर आपको सारा टिकट मिलेगा। यहाँ पर जो टिकट है बाकी जो 10 टीमों का वेबसाइट में, यहाँ पर बहुत ही कम रहता है, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट अवेलेबल होगा पर बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट भी हो जाता है। इसीलिए आप यह इन दोनों वेबसाइट और बाकी नीचे दो वेबसाइट, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर अगर सोल्ड आउट हो जाता है तो फिर बाकी अदर्स वेबसाइट पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हो सके तो मैं आपके लिए और एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।